ये क्या कर रहे हो? इसको हिप्नोटाइज कर रहा हूं। हिप्नोटाइज? हाँ। वो कैसे करना है आपने? ये लो जी, सुरेश कह रहा है वैसे हिप्नोटाइज। इसको पकड़ा ऐसे ऐसे भाग जाएगा, भाग जाएगा। खावन पीवन तो जिंदगी जीवन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक भी करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँच सके। तो आज की वीडियो मज़ेदार होने जा रही है। आज पर एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया है क्योंकि आज है संडे, फ्रेज और शहरी को है छुट्टी और मुबशर को भी छुट्टी है। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना इन छोटे बच्चों को एक छोटी सी पार्टी दे दूं ताकि वो पार्टी को एंजॉय करें और आज का जो छुट्टी का दिन है वो भी उनका पास हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं सुरेश और शरी के पास और उनसे पूछते हैं भाई क्या प्रोग्राम है उनका, उनको पार्टी दूं, क्या उनके पास टाइम है या नहीं है, उनके पास जाते हैं। अच्छा तो भाई मैं शरी और सुरेश के कमरे में आ चुका हूँ। हाँ जी, तो इधर शरी बैठा है और इधर सुरेश और इधर मुबशर भी बैठा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सुनाओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब ठीक हो? हाँ अब ठीक हो। ठीक मैं भी ठीक हूँ। आप भाई कैसे हैं? ठीक। वक्त सुनाओ कैसा गुजर रहा है फिर? अच्छा 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 भाई, मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है जी। भाई मैंने प्रोग्राम ये बनाया है, आज का जो शाम का खाना है ना वो मैं बनाऊंगा। पहले भी माशाल्लाह बनता है लेकिन आज स्पेशली भाई एक छोटी सी पार्टी कर रहा हूँ आप दोनों की, क्योंकि आज संडे है, स्कूल से छुट्टी है, तो मैंने कहा कि बेस्ट पार्टी कर करना एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है आपका शहरी? देसी चिकन, मुर्गा देसी चिकन। क्या किस चीज की पार्टी करूं? मुर्गा, मुर्गा देसी, देसी मुर्गा, देसी मुर्गे की पार्टी करूं? हाँ। चलो देसी मुर्गे की पार्टी कर लेते हैं। आपका की ख्याल है? वही जो देसी मुर्गे की करते हैं, देसी मुर्गे की पार्टी करें। खर्चा करवा, इनको पता ना देसी मुर्गा बड़ा महंगा होता है। नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ अपने देसी मुर्गे हैं, ठीक है ना। तो फिर जो सालन तैयार करेंगे वो किस किस्म का सालन तैयार करें फिर मुझे थोड़ा ना समझा के बताना है आपने। शोरबे वाला बनाना है या वैसे जो चिकन है उसको भून लेना, या शोरबा शोरबा बनाना है? शोरबा, शोरबा बनाना है। अच्छा, क्या आपको ये चिकन पसंद है देसी मुर्गे का? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फिर बनाए प्रोग्राम आज? बनाए। हाँ जी। तो फिर चलते हैं उधर, हमारे पास ना कुछ मुर्गे हैं। हाँ जी। आप पसंद करें कौन सा पकड़ना, चले फिर पकड़े। चलो पकड़े। पकड़े, चलो भाई आप ही मुबशर आप भी आ जाओ। शहरी वो जा रहा है, वो देखो जा रहा है। कितनी जल्दी हो गई उसको भाई देसी मुर्गे की पार्टी की। अभी आ रहा हूँ, एक मिनट सब्र करो, मैं भी आ रहा हूँ। वो जा रहा है भाई जिधर हमारी मुर्गियाँ हैं और पूछते हैं शहरी से भाई कौन सा मुर्गा पकड़ना है। दरवाज़ा खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, ऐसे नहीं खोलना, वो बाहर निकल आएंगे क्योंकि इधर सब्जियाँ वो खा जाती हैं, ठीक है ना। आराम से खोलना है, अंदर दाखिल हो जाना, ठीक है। हाँ सब्जी बड़ी हो गई माशाल्लाह, ऐसा ऐसा बड़ी हो रही है। जो हमने बीज वगैरह लगाए थे ना सब्जियों का, वो मतलब कि वो उग चुके हैं माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा भाई हम मुर्गियों के कमरे में दाखिल हो चुके हैं और शहरी राम 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 बाहर निकल जाएंगे। एक मिनट, एक पहले एक मिनट रुक जाओ। शहरी और सुरेश कमरे में दाखिल हो चुके हैं, इधर मुर्गियाँ फिरती हैं। अच्छा शहरी बताओ, ये व्हाइट वाली? हाँ ये देसी है, देसी है। ये वाली पार्टी पे करें? ये चले जाए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको ना, पहले मेरे साथ बात तो करो ना यार। ये जो सफेद मुर्गा है इसको पकड़ना है? अच्छा जी। नहीं मैं तो कहता हूँ ये ब्लैक वाली पकड़ लेते हैं, ये ऊपर बैठी है, कि ये व्हाइट सही है। चलो फिर व्हाइट वाली पकड़ लेते हैं। तो फिर पकड़ फिर पकड़ 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 इसको पकड़ो पकड़ो। चलाक तो है ना आज, फिर सफेद मुर्गे की शामत आ चुकी है। ये मुर्गा है यार ना, इसकी टोपी है ना, मुर्गा है। हाँ इसको पकड़ो फिर। ये बाकी हमारे पता चल जाता है कैसे पकड़ते हो। आराम से आराम से। हाँ तुम दूसरी साइड। हाँ उधर उधर। हाँ पकड़ 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 पकड़ो। ओ शायद ने पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये देखे भाई ये मुर्गा, चलो पैर ले आओ इसको। भारी है, भारी है। हाँ हाँ जी।
कैसा मुर्गा है शहरी बताओ। अच्छा तो नहीं करता। क्या ये कुछ तो नहीं करता। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता। नहीं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, पकड़ लो, कुछ भी नहीं करता। ये देखो कुछ कह रहा नहीं, कुछ कह रहा। शहरी को दो, शहरी पकड़ना चाहता, शहरी को पकड़ाओ, फिर छोड़ना नहीं, काबू कर लेना, ठीक है? इतना टाइट नहीं पकड़ना। ये क्या कर रहे हो? इसको हिप्नोटाइज कर रहा हूं। हिप्नोटाइज? हाँ। वो कैसे करना है आपने? ये सुरेश कह रहा वैसे हिप्नोटाइज। अच्छा ये नहीं कैसे लकीर खींचने से हिप्नोटाइज हो जाते हैं? भाग जाएगा, भाग जाएगा। नहीं नहीं भाग, भाग जाएगा। नहीं नहीं भाग जाएगा। नहीं भागता। नहीं वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? तू तो कहता है ना हिप्नोटाइज हो गया। आगे लाइन में देखते ना, उसी तरह उसी को देखने लग जाते। नहीं नहीं पकड़ो हिप्नोटाइज। वो गिरा पड़ा, अभी गिरा पड़ा है ना ये। यानी कि सुरेश तो कामयाब हो गया। देखा देखा मेरे भाई ने चल दिया। तो भाई तजुर्बा कामयाब हुआ ऐसे ना? दोबारा करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। चल भाई शरी पकड़ो, आप देखते हैं भाई कैसे हिप्नोटाइज करता है। मैं देता हूँ शरी और जुरेज के काम देखो। ये देखे जी हिप्नोटाइज हो गया। हो गया। वो कहते हैं भाई हिप्नोटाइज करने का यही तरीका है। ये देखिए, ओ जिंदाबाद, आप आ गए भाई। बताएं मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको लें और कसाई के पास जाएं, जबा करवा के लाएं। ले जाओ शहरी को। हाँ शहरी को साथ में ले जाओ, बस तुम अकेले जाओ, ठीक है ना? मैं जा रहे हैं। चला जाए सुरेश, बड़ा चला जाए, शहरी नहीं जाएगा, ठीक है ना? शहरी और मैं ना सिटी जाएंगे शाम को इंशाल्लाह। ये मुर्गा जो है वो मैं ज़िबा करवा के आ चुका हूँ, तो आपको पता होगा कि आज हम करने जा रहे हैं सुरेश और शहरी की पार्टी। तो उसी पार्टी के लिए मुर्गा जो ज़िबा करवाया वो आ चुका है। तो अभी इस मुर्गे के गोश्त से ना सालन जो है वो तैयार करना है सुरेश और शहरी की पार्टी के लिए। तो अभी वो सालन भी तैयार करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और उसके अलावा ना सुरेश और शहरी के लिए मीठे में भी कुछ चीज़ जो तैयार करनी है मैं आपको बता दूँ। तो मीठे में ना जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो आज ना कस्टर्ड जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, वो भी तैयार करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस साइड बैठा हुआ जी सुरेश मोबाइल पर लगा बैठा है, कार्टून देख रहा है। और इधर बैठी हुई जी अम्मा जी, और इधर बैठा है जी हमारा शहरी जो कि बैठा है इधर ना कार्टून देख रहा है। मामा पापा घर के नहीं, पार्टी पकड़ेंगे। हाँ जी हम मैं हाँ दावत कर रहा हूँ इनकी। हाँ, शहरी ने कहा है हाँ शहरी ने फरमाइश की है कि मैंने देसी मुर्गा खाना है। अच्छा। तो हमने करनी थी पार्टी, तो फिर देसी मुर्गा भी मैं ले आया, और उसके बाद ना मीठे में कस्टर्ड जो है वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले कस्टर्ड की तैयारियाँ जो है वो की जा रही है, और उसके बाद फिर चिकन का सालन जो है वो बनाया जाएगा। और इस साइड ये कस्टर्ड बनाने के लिए कुछ पत्ते जो है कस्टर्ड के वो आए पड़े हैं, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इनका। ये दूध जो है वो गर्म हो चुका है फिलहाल, तो अभी ना इस साइड ये कस्टर्ड के पत्ते जो मैंने अभी आपको दिखाए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के हैं, तो इनको लेते हैं। पहले खोलो इस साइड ना एक कप जो वो मैंने ले लिया, तो आधा कप पानी का जो मैंने भर लिया, तो चम्मच वो रख लिया। सबसे पहले इसमें ये कस्टर्ड जो है ये डाल लेते हैं। तो अभी इसको काल लेते हैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स पानी में। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला कस्टर्ड जो है वो मैंने अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया है, तो अभी कस्टर्ड को डाल देते हैं इधर दूध में। इस साइड पड़ी हुई जी चीनी, किशमिश और इसके अलावा इलायची। इलायची को ना ऐसे ना तोड़ के डाल देना इधर ऐसे, ताकि ना कस्टर्ड में से खुशबू जो है वो आए। ये इलायची मैंने डाल दिया, और इस साइड ये पड़ी किशमिश, तो किशमिश भी डाल देते हैं। ये सारी चीनी जो ये इधर डाल देते हैं अच्छी तरह, इधर दूध में मिक्स कर लेते हैं कस्टर्ड चीनी किशमिश और इलायची को।
कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। इस साइड आप देख रहे हैं माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया कस्टर्ड हमने, ये देखिए माशाल्लाह कुछ इस तरह तैयार हुआ है। तो कस्टर्ड जो है वो मैंने बनाया फिलहाल तैयार किया, उधर अम्मी जी ना गोश्त का सालन जो है वो तैयार करें। अभी ना इसको रख देते हैं 2 मिनट के लिए ऐसे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर इसको डाल देंगे इधर इस बर्तन में और फिर रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के। कस्टर्ड को 2-3 मिनट हो गए, अपना कस्टर्ड जो है कुछ ठंडा हो चुका है, तो अभी इसको डाल देते हैं इस बर्तन में और उसके बाद रख देते हैं सीधा फ्रिज में। कस्टर्ड को मैंने बर्तन में डाल लिया, माशाल्लाह से काफी ना मजे का लग रहा है। तो अभी इसको रखते थे फ्रिज में पकना पार्टी का टाइम तक ना ये ठंडा हो जाए। और पहले मैं जो मुर्गी ज़िबा करवा के लेके आया था तो उसका सालन जो है उधर अम्मी जी तैयार कर रही है, तो अभी चाहते हैं आपके साथ वो सालन भी शेयर करते हैं। तो अभी इधर मैं किचन वाली साइड आ चुका हूँ, तो इधर अम्मी जी ने कच्चे किचन में ना सालन जो है वो तैयार कर रही है, इधर मिसाला जो है वो अम्मी जी ने तैयार कर लिया है। तो इधर ये देसी मुर्गी का गोश्त जो है वो पड़ा है जो अभी हम ज़िबा करवा के लेके आए थे, तो इस गोश्त को अम्मी जी डाल रही इधर बेचकी में, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी मैं आ चुका हूँ फिलहाल इधर वापस, तो उधर बाई सालन जो है वो तैयार हो रहा है, जब सालन तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर हम अपनी पार्टी जो एंजॉय करेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो इधर फिरता है जुरेहेज मिठू मिठी किधर गए हैं, वो बैठे इधर देखे जी माशाल्लाह से इधर मिठू मिठी बैठे हुए। तो आपको पता है मिठी ना काफी गुस्से वाली, मिठू को हर वक्त मारती जाती है। ये देखे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, वो अपने मिठू जो है ना वो अपने दुख सुना रहा है कि मिठी ने मुझे बड़ा मारा है। असल में मिठी जो है ना मिठू बेचारे की कुट लगाती है, क्या हुआ है गुस्सा करके खड़ा, मुझे लगता है इसके बिना कुट लगी है। चुप चुप कर जा ना, रो ना ना। माशाल्लाह से देसी मुर्गी का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तो शहरी ने फरमाइश की थी कि शोरबे वाला सालन जो है वो बनाना है, तो वो ही सालन तैयार किया माशाल्लाह से, काफी मजेदार सी खुशबू आ रही है और दिखने में भी ना काफी मजे का लग रहा है। अभी ना अम्मा जी इस सालन को डाल रही हैं जी इधर इस बर्तन में, और बाकी का सारा सामान जो इधर ला कर रख दिया टेबल पे। चाबियां जो वो भी आ गई, और उसके अलावा रोटियां जो वो भी आई पड़ी है, और कस्टर्ड जो वो भी आया पड़ा है, और आप ही जाके चेक कर रहे हैं क्या बना हुआ है। अच्छा भाई मेहमान खसूसी सारे आ गए हैं, इधर देखें सबसे पहले शहरी को देखें, सुरेश को देखें, अम्मा जी भाई सदाकत मुबशर एंड अब्बा जी। पार्टी में क्या क्या चीज तैयार की है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखे देसी मुर्गी का सालन, ये देखे देसी मुर्गी का सालन है जी। चले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, वाह वाह वाह। अब्बा जी का फेवरेट मुझे भी खाना है, चलो शहरी भी खाएगा। और ये फरमाइश भी शहरी की थी देसी मुर्गे की। और भाई इसमें दूसरी आइटम है जी, ये कस्टर्ड बनाया है ठंडे में, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई माशाल्लाह। तो भाई सालन डालें बर्तन में और शुरू करें जी, बड़े बिस्मिल्लाह। शहरी कहता है मुझे ना टांग देनी है, टांग लेनी है ना, लेग पीस तो देसी में क्या। ठीक है शहरी, नीचे बैठ ना, सीधे बैठ, खाना खा रहे। उसने पहले बताया था कि मुझे ना टांग देनी है। ला जी। और इसी के साथ आज की वीडियो को आप ये एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।